हाँ तो मेहरबानो ये रागनी होगी कृष्ण जन्म के किस्से से और उस समय की बात की जब वसुदेव जी देवकी को ब्याह करके ले चलते हैं। प्रेमी साथियों गढ़वाला कंस बन जाता है, आकाश से आकाशवाणी होती है कि रे कंस जिसका तू गढ़वाला बन रहा है इस देवकी के उदर से आठवें पुत्र के रूप में जो जन्म लेगा उसके हाथों तेरा काल होगा। प्रेमी साथियों ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के भयभीत हो उठता है, क्रोध में आ जाता है वो कंस और हाथ में तेगा लेकर के तलवार लेकर के अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ लेता है और न्यू कहने लगा कि इसको खत्म करूंगा। तो किस तरह से देवकी फरियाद करने लगी अपने भाई कंस से, क्या कहने लगी, आइए इस रागिनी को लेकर के आ रहे हैं ज्ञानेंद्र सिरांधणा प्रहलादपुर तिगाम फरीदाबाद। और केस छोड़ दे नाड़ टूट गई और दर्द भतेरा सर में और आगी जरब कमर में। केस छोड़ दे नाड़ टूट गई दर्द भतेरा सर में आगी जरब कमर में। केस छोड़ एक घड़ी में देख लिए मेरी जान लिकड़ गटर में आगी जरब कमर में। केस छोड़ दे नाड़ टूट गई लगा दे या डूबे बीच या धर में आगी जरब कमर में। केस छोड़ दे नाड़ टूट गई।
नाम पार हो जागर।